कड़ाके की ठंड में लोगों का घर से निकलना कम हो गया है। गरीब परिवार के लिए ठंड में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज भी समाज में कई ऐसे लोग हैं जो ठंड में परेशानियों में रात काटते हैं। परिवार के पास अधिक गर्म कपड़े या कंबल कम रहता तो सभी परिवार एक साथ ही रात गुजारते हैं। लगातार कोरोना काल में बंद से भी परेशानी बढ़ी है। कोरोना काल में गरीब मजदूरों पर ही इसकी मार पड़ी है। सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनकी जीविका मजदूरी से ही चलती थी। कोरोना संक्रमण के बढ़ने से ठंड में परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में अस्थावा के मुखिया लाडली सिन्हा व समाज सेवी विजय शंकर प्रसाद ने मकर संक्रांति को लेकर अस्थावा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 20 के करीब 1000 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। कंबल के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को चूड़ा भी भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कंबल एवं चूड़ा वितरण किया गया। मुखिया लाडली सिन्हा के द्वारा प्रत्येक वर्ष गरीब एवं असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण किया जाता है। ठंडा को देखते हुए आज 1000 कंबल का वितरण किया गया है और मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा जनता के बीच बांटा गया है और कंबल बांटा गया है ताकि जनता को कुछ राहत मिले। यही काज का कितना कंबल वितरण किया गया है? लगभग 1000 कंबल बांटा गया है। अच्छा, सरकारी स्तर पर कुछ किया गया है? सरकारी स्तर पर तो इस बार कुछ ऐसा किया नहीं गया है, लेकिन हम समाज सेवी और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते 1000 लोगों के बीच कंबल बांटने का काम किया है।